सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अपने कौन से भी कस्टम रोम से स्टॉक रोम पे कैसा स्विच होना। स्टॉक रोम किसको बोलते हैं मैं बोल देता हूँ। जब अपन डिवाइस परचेस करने के बाद जो रोम रहता उसको अपन स्टॉक रोम बोलते हैं। अगर आप शॉमी का डिवाइस परचेस करें तो शॉमी का स्टॉक रोम रहता। अपने एंड्रॉइड डिवाइस के लेटेस्ट स्टॉक रोम को कैसा इंस्टॉल करना आपको इस वीडियो में पता चल जाता, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इधर मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूँ। एक तो अपन अपने कस्टम रिकवरी से स्टॉक रोम को फ्लैश कर सकते। रिकवरी से अगर आप स्टॉक रोम फ्लैश कर दिए तो आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, लाइक सेफ्टी फेल्ड रहता। सेफ्टी नेट फेल्ड है मतलब बैंकिंग एप्स रन करने में प्रॉब्लम होती। और अपना दूसरा जो मेथड है एमआई फ्लैश टूल से आप स्टॉक रोम फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पीसी की जरूरत पड़ती। इस मेथड से आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक हो जाता और सेफ्टी नेट भी पास रहता, बैंकिंग एप्लीकेशन इजिली रन कर ले सकते। तो मैं इधर दो भी मेथड बताने वाला हूँ, आपको जो मेथड अप्लाई करना है आप कर लो। तो सबसे पहले अपन रिकवरी का मेथड देख लेंगे, रिकवरी से आप स्टॉक रोम को कैसा फ्लैश कर सकते। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना पड़ता, चाहे वो पीसी का ब्राउजर हो या फिर अपने एंड्रॉइड फोन का ब्राउजर हो, दोनों भी ब्राउजर चलते। ब्राउजर में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको शॉमी फीमवेयर अपडेटर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आती है, ये शॉमी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे टैप करो। टैप कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल टू डाउनलोड्स ऑप्शन आता है, इस पे भी टैप करो। तो यहाँ पे नीचे डिवाइसेस का ऑप्शन आता, इस पे टैप करो और यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम सर्च कर दो। नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप करो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रीज के रॉम्स मिल जाते। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा भी रॉम इसमें से डाउनलोड कर सकते, लेकिन मेक श्योर कर लेना आपको यहाँ पे रिकवरी रॉम डाउनलोड करना है। फास्ट बूट रॉम आपको डाउनलोड नहीं करना है। अपन रिकवरी से फ्लैश कर रहे इसको, तो अपन रिकवरी रोम डाउनलोड करेंगे। तो देख लेना आप यहाँ पे कौन सा भी है, ग्लोबल, टर्की या फिर इंडोनेशिया, कौन सा भी रोम आप फ्लैश कर सकते हैं। तो मैं इधर ग्लोबल पे चले जाता हूँ, ग्लोबल है, रिकवरी रोम है, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे मैं टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद देख सकते हैं रिकवरी फाइल है और ये अराउंड 2.8 GB या फिर 2.6 GB की फाइल है। फुल रोम पे मैं टैप कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती। तो इसको आपको डाउनलोड होने देना है। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद इस फाइल को अपने माइक्रो एसडी कार्ड या फिर यूएसबी स्टोरेज में स्टोर कर लो। उसके बाद आपको सीधे अपने कस्टम रिकवरी पे आ जाना है। सिंपली अपन जैसे कस्टम रोम्स फ्लैश करते वैसे इसको भी फ्लैश कर देना है। मेक श्योर कर लेना कि आपको फ्यूमवेयर इसमें फ्लैश नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बिना फ्यूमवेयर फ्लैश करे इस रोम को फ्लैश कर दो। मैं बता देता हूँ कैसा फ्लैश करना। सबसे पहले वाइप पे चले जाओ, डेल्विक पैकेज कैचे मेटाडेटा डेटा ये सारे पार्टीशन को सिलेक्ट करके वाइप कर दो। वाइप हो जाने के बाद यहाँ पे होम पे आओ, इंस्टॉल पे टैप करो, अपनी फाइल को इधर लोकेट कर लो। तो यहाँ पे देख सकते अपनी फाइल यहाँ पे, सिंपली इस पे टैप करके मैं फ्लैश कर देता हूँ। इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा टाइम लगता, 15-10 मिनट्स भी लगते, तो आप वेट कर लो। इधर फ्लैश कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको होम बटन पे प्रेस करना है, वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डाटा पे टैप करो, कीबोर्ड पे YES टाइप करके टिक कर दो। देन आप सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं और आपका डिवाइस स्टॉक रोम पे बूट हो जाता। ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अपन सेकंड मेथड भी ट्राई करके देख लेंगे, जिससे आपके फोन का बूट लोडर लॉक भी हो जाता और सेफ्टी नेट भी पास रहता। सबसे पहले आपको अपने फोन का फास्ट बूट रोम डाउनलोड करना है। वो कैसा डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना पड़ता, यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लो शॉमी फर्मवेयर अपडेटर। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आती, शॉमी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। थोड़ा सा नीचे आने के बाद स्क्रॉल टू डाउनलोड्स का ऑप्शन आता, तो यहाँ पे देख सकते डिवाइसेस का ऑप्शन आता, इस पे टैप करो, इधर अपने डिवाइस का नाम सर्च कर दो। तो मेरे पास इधर पोको X3 है, मैं पोको X3 सर्च कर लेता हूँ, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे मैं टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते इतने सारे रॉम्स अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट रॉम्स है। तो इनमें से कौन सा भी सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आपको मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे आप रिकवरी रॉम डाउनलोड नहीं करना है, आपको यहाँ पे फास्ट बूट रॉम डाउनलोड करना है। तो अपन इधर ग्लोबल रॉम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल रॉम है, फास्ट बूट है, सिंपली अपन डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। थोड़ा सा अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते, इस वाले रॉम को डाउनलोड कर लेते, लेकिन ये रिकवरी रॉम है जैसा कि आप देख सकते। तो अपने को रिकवरी रॉम डाउनलोड नहीं करना है, फास्ट बूट रॉम डाउनलोड करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे फास्ट बूट रॉम रहता, 4.9 GB का रहता, तो इसको अपन डाउनलोड कर लेंगे। फुल रॉम पे टाइप कर दिए तो डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता। डाउनलोड इसको होने देना है, थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोडिंग में। फास्ट बूट रॉम डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे और एक फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ता, तो जल्दी से अपन ब्राउजर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सर्च बार में एमआई फ्लैश टूल आपको सर्च कर लेना है। तो फर्स्ट वेबसाइट आती, इस पे टैप करके ओपन कर लो। तो यहाँ पे बहुत सारे एमआई फ्लैश टूल के वर्जन मिलते, लेटेस्ट वर्जन को आप टैप करके इंस्टॉल कर सकते। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे अपन चले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 डाउनलोड लिंक्स अपने को मिल जाते, कौन से भी लिंक में आप टैप करके डाउनलोड कर सकते। तो अपन मीडिया फाइल लिंक पे टैप करके डाउनलोड कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पे अपनी दो भी फाइल डाउनलोडेड है, एक यहाँ पे एमआई फ्लैश टूल और ये जिप फाइल फास्ट बूट रॉम की फाइल है अराउंड 4.57 GB की। अब आपको करना क्या है बोले तो एमआई फ्लैश टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन एक्सट्रैक्ट कर लिए, फोल्डर भी इधर आ जाता, इसको अपन ओपन कर लेंगे। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो एंड तक, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आती एमआई फ्लैश टूल करके, इसको आपको डबल टैप कर देना है, परमिशन को अलाउ कर देना है। तो देख सकते ये ओपन हो जाता। यहाँ पे आपको ड्राइवर वाले सेक्शन पे चले जाना है, तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे टैप करें तो कुछ इस तरीके का एरर आपको अगर मिल रहा तो मैं बता देता हूँ कैसा फिक्स करना। यही फोल्डर में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसका नाम
नाम आपको लॉक करके दे देना है LOG। फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद फिर से आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, परमिशन को अलाउ कर देंगे, फिर अपन ड्राइवर पे जाके इंस्टॉल कर ले सकते हैं और यहाँ पे ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल भी होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है बोले तो यहाँ पे फास्टबूट रॉम की फाइल है, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और मेक श्योर करना है कि इस फाइल को आप अपने सी ड्राइव में रखो, दूसरे ड्राइव में रखे तो फेल हो जाता। तो इधर अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, फोल्डर भी क्रिएट हो जाता, आप अपने जिप फाइल्स को डिलीट कर सकते। जिप फाइल्स का यहाँ पे काम खत्म हो गया। और यहाँ पे और एक फाइल को आपको डाउनलोड करना है ADB सेटअप करके। मैं यहाँ पे सबको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि कोई भी आपको एरर फेस करने को ना मिले। अगर ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करे तो आपका फोन पीछे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो फाइल का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड कर लो वहाँ से जाके। सिंपली अपन इस पे डबल टैप करेंगे, यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर दो तो यहाँ पे विंडो ओपन होता। इधर आपको लेटर टाइप करना है, वाई लेटर टाइप करना है, तो अपन वाई टाइप करेंगे, फिर और एक बार अपन वाई टाइप करेंगे, तीसरी बार लास्ट बार अपन वाई टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर्स इंस्टॉल करने को बोलता, इंस्टॉल कर लेना ड्राइवर्स। अपना इधर आधा काम तो हो गया, अब मेन प्रोसेस अपन करने वाले हैं। MI फ्लैश टूल फोल्डर पे अपन आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आने के बाद MI फ्लैश टूल एप्लीकेशन को अपन ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने डिवाइस पे आ जाना है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करके रखो। बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फास्टबूट मोड पे अपन आ गए। आपको भी सेम ऐसे ही करके अपने डिवाइस के फास्टबूट मोड पे आ जाना है। इसके बाद आपको अपने फोन को पीछे से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के लिए आप अपना ओरिजिनल जो चार्जर के साथ केबल आता वो यूज करो, थर्ड पार्टी कौन सा भी USB केबल यूज करे तो आपको एरर्स देखने को मिलते। सिंपली अपन अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑल सेट है, फोन अपना पीसी से कनेक्टेड है। हमारे फ्लैश टूल पे अपन आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही अपन रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे टाइप करते तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर शो करता, इसका मतलब अपना डिवाइस यहाँ पे सक्सेसफुली डिटेक्ट हो गया। मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे सीरियल नंबर शो करना, अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे। तो इधर अपना सीरियल नंबर शो कर रहा, अपन सीधा इसको मिनिमाइज करेंगे। फिर अपन अपने फास्टबूट वाले फोल्डर पे चले जाएंगे, यहाँ पे अपन इस वाले फोल्डर को भी ओपन कर लेंगे। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे ये पाथ देख सकते, इस पे आपको टैप करना है। यहाँ पे जितना भी पाथ है उसको कॉपी कर लो, Ctrl+C टैप करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको करेंगे मिनिमाइज। यहाँ पे अपन MI फ्लैश टूल पे आएंगे, इधर अपन ये पाथ को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं क्लीन ऑल एंड क्लीन ऑल एंड लॉक का ऑप्शन मिलता। अगर आप अपने डिवाइस का बूट लोडर लॉक करना चाह रहे हैं तो क्लीन ऑल एंड लॉक पे टिक करके इसको फ्लैश कर दो। अगर आप चाह रहे बूट लोडर अनलॉक ही रहना तो आप क्लीन ऑल वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको फ्लैश कर दो। तो इधर देख लो आप कौन से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लीन ऑल पे टैप करके इसको फ्लैश कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता, एक 20 मिनट्स तक लेता, तो आप इधर पेशेंस रख के वेट करो। अगर इन बिटवीन आप अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिए तो आपका फोन हार्ट ब्रेक भी हो सकता। तो अपन इसको फ्लैश होने देंगे। फ्लैश कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एरर बताता, लेकिन अपना फोन यहाँ पे सक्सेसफुली बूट हो गया। इसको खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, फर्स्ट बूट है तो टाइम तो लगेगा ही। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फोन ओपन होता या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे फोन अपना सक्सेसफुली ओपन हो गया। मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने रॉम का ग्लोबल वर्जन है। अपन ग्लोबल वर्जन डाउनलोड कर रहे थे तो यहाँ पे ग्लोबल वर्जन ही फ्लैश हुआ। आप कौन सा भी कंट्री का रॉम इसमें फ्लैश कर सकते हैं, लाइक तुर्की, यूरोप, इंडोनेशिया, कौन सा भी रॉम आप फ्लैश कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल्स अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर सही में आपका फोन ओपन हो गया मेरे मेथड से तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कॉन्टेंट में लेके आता हूँ। तो अपन ये वीडियो को अब एंड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।